तो गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है गुजरात हाईकोर्ट ने। बड़ी खबर आ रही है, गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगता हुआ, ऐसी उम्मीद थी कि अगर राहत मिली तो उनकी संसदीय सदस्यता बहाल हो जाएगी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। अभी आप सुखजिंदर सिंह रंधावा को सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रभारी, और उन्होंने भी अपना रिएक्शन इस मामले को लेकर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस मामले को लेकर। तो अब मोदी सरनेम का जो मामला है वो पहले गुजरात कोर्ट में पहुंचा था। गुजरात कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उनकी संसदीय सदस्यता रद्द हो गई थी। उसके बाद राहुल गांधी याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है और राहुल गांधी को झटका लगा है गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है और कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी अभी आपने सुना, इस पर उनका रिएक्शन भी आ गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है। अब देखते हैं इस मामले को लेकर आगे और क्या कुछ सामने आता है। एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस हमारे सहयोगी कनिका कटियार इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को झटका लगा है, उनकी याचिका खारिज हो गई है, और क्या ताजा अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें तो गुजरात हाई कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को राहत जो है वो नहीं दी गई है। उन्होंने जो याचिका दायर की थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव होना है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की दावेदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी पेश कर रही है। अब इस पूरे वक्त में, इस पूरे फैसले के बाद जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी रंधावा हैं राजस्थान के, उन्होंने साफ तौर पर कहा, आपने सुना कि हम, उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट से जिस तरह से राहत नहीं मिली है, अब जो है सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगातार जो मोदी सरनेम मानहानि का मामला था उसको लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले सूरत सेशन कोर्ट में जो है फैसला आया था, 2 साल की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद जो है अब जो है, देखिए रंधावा जी यहां पर है, इनसे पूछेंगे। देखिए, आज जो आया है, जो जजमेंट आई है, तो ये स्वाभाविक थी। जो पहले लग रहा था कि इतनी जल्दी और मेरे ख्याल के इतनी शॉर्ट डेट्स देना, तो कहीं ना कहीं कुछ लग रहा था। फिर भी हम उसका ये नहीं कहते कि कानून ने जो प्रक्रिया की है उसका मुकाबला भी करेंगे और ऊपरली अदालत में जाएंगे। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम पॉलिटिकल लड़ाई ज़्यादा लड़ेंगे और इस नाइंसाफी के अगेंस्ट उनकी, राहुल जी की जो मेंबरशिप थी उसको रद्द करना, ये कोई डेमोक्रेटिक वे नहीं है। जवाब न देना और ये कहना कि उनको ललित मोदी, नीरव मोदी जो और हैं उनको चोर कहना गलत है। वो हम चोर को चोर ही कहेंगे और ये और बुलंद आवाज में बात करेंगे। लेकिन बीजेपी और ज्यादा आक्रामक हो जाएगी, कहेगी कि ओबीसी समाज का इन टोटैलिटी राहुल गांधी ने अपमान किया और वैलिडेट कर दिया कोर्ट ने। मेरी बात सुनिए, ओबीसी जो है वो अगर ऐसी बात करते हैं तो फिर उनको वापस क्यों नहीं लेकर आ रहे जो बाहर चले गए हैं? ओबीसी को अगर आपने देना है, कोई न्याय देना है, तो उनको बताना चाहिए कि ये आए हैं, इनसे हम वसूल कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के ओबीसी का, हर हिंदुस्तान के ऊपर हमारे ऊपर टैक्स लगते हैं, बैंकों ने जो कर्जा दिया वो वापस आना चाहिए था। साफ तौर पे आप जो है रंधावा को सुन रहे थे, जो कि प्रभारी राजस्थान के, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो है मोदी सरनेम को लेकर जो राहुल गांधी ने टिप्पणी दी थी, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि चोर को चोर ही कहा जाएगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है आज कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो हताश है, क्योंकि कई दिनों से वो उम्मीद लगा के बैठे थे कि जब हाईकोर्ट में राहुल गांधी का फैसला जाएगा तो राहुल गांधी के हित में जो है फैसला आएगा। पर दिखाना चाहूंगी कांग्रेस
कांग्रेस हेडक्वार्टर की तस्वीरें, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और इसी उम्मीद के साथ जो है कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे थे कि राहुल गांधी का जो हियरिंग है हाईकोर्ट में उसके फैसले में राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिलेगी। परंतु जो है राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली है। जो याचिका कांग्रेस पार्टी की ओर से दायर की गई थी उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर करेगी और किस तरह से आगामी दिनों में राहुल गांधी की राजनीति जो पॉलिटिकल करियर है उसको क्या एक रूपरेखा मिलेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं और इस पूरे एपिसोड में राहुल गांधी का ये फैसला आना और उसके बाद लगातार केसों के ऊपर केस होने तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल कनिका, एक बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि 2 साल की सदस्यता 2 साल के लिए रद्द की गई है राहुल गांधी की गुजरात कोर्ट की तरफ से और इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने भी अब झटका दे दिया है। अब इस मामले को अगर सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ राहत की उम्मीद ये लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कनिका आज कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए हैं मायूसी जरूर उनके चेहरे पर दिख रही है क्योंकि राहुल गांधी को एक तरफ जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी तलवार लटक रही है इस मामले की वजह से उनके इस प्रोजेक्शन पर। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के जो ये मानहानि का केस लगातार चल रहा है। कनिका वापस आएंगे आपके पास, हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर सुधांशु माथुर जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से भी झटका लगा है, गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है, अब क्या ऑप्शन बचता है राहुल गांधी के पास? क्योंकि जो हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था है उसके अंदर अभी भी कई सारे विकल्प जो है वो राहुल गांधी के लिए खुले हैं। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में भी आकर जो है वो राहत की अपील कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमने न्याय व्यवस्था में देखा है कि जब किसी एक व्यक्ति को किसी एक मामले में सजा होती है तो उसके बाद ऊपर की न्यायालय में जाने के लिए विकल्प खुले रहते हैं, लेकिन ये तय नहीं होता है कि ऊपर के न्यायालय उसको राहत देंगे और शायद यही जो बात है वो राहुल गांधी के मामले में चरितार्थ हो रही है। जी जी सुधांशु जी वापस लौटेंगे, हमारी सहयोगी कनिका पीसीसी चीफ से बात कर रही है, गोविंद सिंह डोटासरा से सुनिए। खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ ये मोदी जी और मोदी जी की सरकार कितना भी षड्यंत्र कर ले, हम जीतेंगे, हम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे ये लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी जीतेंगे, हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे और हम जनता की अदालत में 2023 में कांग्रेस राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और तेलंगाना से जीतेगी और दिल्ली 2024 भी हम लोग जीतेंगे। लगातार 2024 की दावेदारी जो है राहुल गांधी दे रहे हैं तो ऐसे में राहत नहीं मिलेगी तो फिर कैसे राहुल गांधी दावेदारी होगी? क्यों नहीं, आप जनता में तो मिल ही रही है, हिमाचल और आप देख रहे हो कर्नाटक जिस प्रकार से जनता ने रिस्पॉन्स किया, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, खड़गे जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, कांग्रेस को आगे बढ़ाया है और अब देखना आप है कि ये लड़ाई जो कानूनी है वो तो हम सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे लेकिन जनता की अदालत में भी हम जीतेंगे। जनता की अदालत में हम 100% जीतने वाले हैं और 2023 में सब स्टेट्स में चुनाव जीतेंगे, 2024 में हम मोदी जी को और अमित शाह को केंद्र की सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। साफ तौर पे दावे हो रहे हैं कि 2024 की लड़ाई में जो है कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। वही जो है कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर का मैं आपको माहौल दिखाना चाहूंगी, किस तरह से राहुल गांधी को लेकर जो है कार्यकर्ता जो है नारे लगा रहे हैं। देखिए साफ तौर पे जो है यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं और जो है राहुल गांधी जिंदाबाद के जो है लगातार नारे लगा रहे हैं, राहुल गांधी के हक में फैसला क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है जो सुप्रीम कोर्ट में जो मान्य करेंगे, जो राहुल जी दिशा निर्देश देंगे उसमें काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी आज रोड पे जो राहुल गांधी का निर्देश होगा वही कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली के अंदर करने जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया है, बीजेपी बोल रही है। ये पॉलिटिकल मैटर है, राहुल जी हमेशा एससी और एसटी को लेकर के चलते हैं, ये पॉलिटिकल मैटर है, राहुल गांधी जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। जगह आदमी की निगाह टीवी के ऊपर थी कि क्या फैसला देती है कोर्ट, निराशाजनक फैसला है, कानून का सम्मान करते हैं लेकिन फैसला जो आया है उस फैसले का हम ये नहीं कहते कि फैसला हमारे पक्ष में आना चाहिए था लेकिन फैसले से सहमत नहीं है, कोर्ट में जाएंगे, कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे और आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आओ भाई साहब।
तो आपने सुना कांग्रेस विधायक रफीक खान को, जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो फैसला आया है गुजरात हाईकोर्ट का, उसे लेकर निराशा व्यक्त की है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस हेडक्वार्टर जो दिल्ली है में है वहां पर इकट्ठा हुए थे और ऐसी उम्मीद थी कि अगर कुछ राहत मिलेगी तो जश्न मनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल नारेबाजी चल रही है कांग्रेस हेडक्वार्टर में।